दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सवलन के एपिसोड 214 की प्रीव पर, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो शुरू होता है, हमें एक स्पाइडर को दिखाया जाता है। ये एक पिट डेमन स्पाइडर एम्परर है जिसकी कल्टीवेशन 50,000 साल से पुरान है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है। जिसके साथ हमें तैंगसन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है ये अंडरग्राउंड स्पाइडर एम्परर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन 50,000 साल से ज्यादा है। और इसके साथ नेक्स्ट टू में हम देखते हैं तैंगसन उस स्पाइडर पर अपने हाउट एंड हैमर से अटैक कर देता है, जिसके साथ हमें दोबारा से तैंगसन की आवाज आती है जो कि कहता है इसकी सवर रिंग मेरी पोर्च सवर रिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्पिरिट रिंग होगी और इसके साथ ही साथ ये सवर रिंग टैंगसन को सबसे बेस्ट बने वाली है, तो आने वाले वीडियो में आपको ही पता चलेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं टैंगसन दोबारा से स्पाइडर पर अटैक कर देता है और अभी के लिए टैंगसन स्पाइडर के साथ फाइट करने के लिए अपनी हाउट एंड हैमर को यूज कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है टैंगसन अपनी हैमर की फर्स्ट रिंग यानी कि एरिमिंग के सवर रिंग को यूज करने वाला है जो कि हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट टू में हम देखते हैं इन स्पाइडर टैंगसन के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही होती है और इसके साथ ही हमें टैंगसन की आवाज आती है जो कि कहता है ये मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब हो चुकी ये अंडरग्राउंड स्पाइडर एम्परर एक डिस्पेयर टेक्निक को यूज कर रहा है। इसे यूज करने के बाद मैं इसे अपनी माइंड पावर से भी नहीं ढूंढ सकता। और इसके साथ ही नेक्स्ट टू में हम देखते हैं टैंगसन स्पाइडर को पकड़ने के लिए अपनी एयर टू सोल टेक्निक को यूज करता है जो कि टाइगर वेल किंग की होती है। टैंगसन स्पाइडर को पूरी तरह से पकड़ लेता है और इसे पकड़कर अपनी सीग और ट्रायन से पूरी तरह से इसे क्रैश कर देता है। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें हुआन एम्पायर के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि इस फॉरेस्ट में सोल बीस्ट को ढूंढने के लिए आए होते हैं और यहाँ मेंबर के साथ टैंगसन से फाइट होने वाला है, तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा आपको। इस मेंबर यहाँ पर आते हैं, उसके साथ ही कहते हैं इसके सारे मूवमेंट आइस एंड फायर के डायरेक्शन से आ रहे हैं, चलो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर जो कोई भी होगा हम उसको किल करेंगे। और ये सब लोग वहाँ पर जाने लगते हैं, जिसके साथ ही दोबारा से टैंगसन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है जो कि सोल बेस्ट को मारने के बाद उसके सोल रिंग को ऑब्जर्व कर रहा होगा। उसके बाद हमें हुईलियन को दिखाया जाता है और उसके साथ ही उसके भाई भी खड़े होते हैं जो कि बीबी नुंग इनको कह रहे होते हैं नाना ऐसी मेंबर थी जिसने उस मोह को बारे में सोचा था। उसके साथ ही साथ जैसे तुम्हारे पास वो प्रोटेक्टिव बॉडी आ जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे प्रोटेक्ट स्पिरिट यूनियन टेक्निक काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे ट्रेलर कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।